पड़ोसी देश पाकिस्तान की खबर पर लगभग सभी भारतीयों की नजर रहती है। कुछ यही हाल सीमा के उस पार के लोगों का भी है। शायद यही कारण है कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो टीवी की टीआरपी छप्पर फाड़ कर आती है। अब खबर आ रही है कि दोनों मुल्क के पीएम जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ के साथ जल्द बैठक हो सकती है। बताया जा रहा है कि ये बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में हो सकती है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की शिखर बैठक 15 से 16 सितंबर को होनी है। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ इस बैठक में हिस्सा लेंगे और एससीओ शिखर सम्मेलन में दोनों की मुलाकात हो सकती है। हालांकि दोनों के बीच औपचारिक मुलाकात संभव नहीं है। पुलवामा ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के पीएम के बीच औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है। समरकंद में होने वाली इसी बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी आना है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन से और गलवान घाटी की घटना के बाद शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात नहीं हुई है। बता दें कि शाहबाज शरीफ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर मियां मोहम्मद शाहबाज शरीफ को बधाई। भारत एक आतंकवाद मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है, जिससे हम अपने विकास में आने वाले रोड़े पर ध्यान दे सके और अपने लोगों की भलाई और संपन्नता सुनिश्चित कर सके। इसके जवाब में पाक पीएम ने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध रखना चाहता है। भारत पाक बंटवारे के बाद से दोनों देशों के बीच कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे। हालांकि बीच बीच में सब कुछ सामान्य रहा तो कभी तनाव बढ़ गया।